इधर वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया गया कि सावन महीने के पांचवें सोमवार को देखते हुए ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के समय में थोड़ा बदलाव किया गया, जिसके मुताबिक अब भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम सुबह 10 बजे से सर्वे शुरू करेगी, क्योंकि सावन के पांचवें सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए सर्वे के समय में बदलाव किया गया। बताया गया कि बाबा की नगरी काशी में सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जिसकी वजह से ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से सोमवार को होने वाले सर्वे का समय बदल दिया गया, ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो सके। झारखंड के रांची में विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सर्वे के दौरान परिसर के अंदर मूर्तियों के साक्ष्य पाए जाने का दावा किया और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद होने के दावे को गलत ठहराया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे में मूर्तियों के साक्ष्य पाए जाने का दावा किया। मूर्तियां दिख रही है, कमल दिख रहे, किस मस्जिद में मूर्तियां और कमल होते हैं? तो एएसआई सर्वे से तो बहुत सारी बातें और बाहर निकलेगी। बता दें कि एएसआई की टीम वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रही है और हिंदू पक्ष लगातार सर्वे में मूर्तियों के पाए जाने का दावा कर रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में पुरातत्व विभाग ने तीसरे दिन का सर्वे पूरा कर लिया, जिसके बाद हिंदू पक्ष के वकीलों ने बताया कि एएसआई की टीम आधुनिक मशीनों से सर्वे कर रही है, जिसकी वजह से छोटे साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं। क्योंकि हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर के अंदर मूर्तियों के साक्ष्य पाए जाने का दावा कर रहा है। हिंदू पक्ष के मुताबिक सर्वे के तीसरे दिन तहखाने से खंडित मूर्तियां पाई गई। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि मैपिंग का काम पूरा हो गया और सर्वे के लिए हर तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीनों का प्रयोग हो रहा है, जो कोर्ट में मॉडर्न टेक्निक्स और सारी मशीनों का वर्णन है वो सारी तरह से काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रविवार को तीनों गुम्बदों के नीचे वैज्ञानिक परीक्षण किया गया, वहाँ पर फोटोग्राफी, मानचित्रण और मापन का काम किया गया। इसके साथ ही तीनों तहखानों की सफाई करा दी गई। व्यास जी के तहखाने का भी सर्वे किया गया और सर्वे के काम में अभी भी समय लगेगा। और पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद एएसआई की टीम वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रही है, जिसके बीच सर्वे के दूसरे दिन 4 फीट की मूर्ति पाए जाने का दावा किया गया था, जिसे हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता ने झूठी खबर बताया। हिंदू पक्ष सर्वे के पहले दिन से ही एएसआई की तरफ से की जा रही कार्रवाई को लेकर संतुष्टि जताई जा रही है, लेकिन इस दौरान सर्वे में 4 फीट की मूर्ति पाए जाने की बात को हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता ने गलत बताया। मूर्ति कुछ नहीं मिला था, कल ये गलत अफवाह थी, मूर्ति कुछ भी नहीं मिला था, कोई एक भी मूर्ति नहीं मिला था। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे के दौरान नंदी के सामने व्यास जी के तहखाने में मूर्तियों और मंदिर के टूटे हुए खम्भों के अवशेष, स्वास्तिक और कलश जैसी आकृतियां दिखने का दावा किया गया। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का तीसरे दिन का सर्वे खत्म हो गया। सर्वे के बाद परिसर से बाहर निकलते वक्त हिंदू पक्ष के लोगों ने बताया कि हम अपने दावे के नजदीक पहुंच गए हैं और एएसआई की टीम लगातार अपना काम कर रही है। हालांकि अभी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। इस दौरान वादिनी सीता साहू, रेखा पाठक और लक्ष्मी ने सर्वे को लेकर संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि जिन आकृतियों के बारे में हमने कहा था वो मौजूद है। सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष में विशेष तौर पर खुशी देखने को मिली। नंदी का दर्शन दे दाओ धरदानी। बता दें कि हिंदू पक्ष को भरोसा है कि सर्वे के बाद ज्ञानवापी को लेकर चल रहा विवाद थम जाएगा और मंदिर के पुख्ता सबूत सामने आएंगे। और इसी बीच एएसआई तीसरे दिन सबसे बड़ी सर्वे टीम के साथ ज्ञानवापी परिसर पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच 58 सदस्य टीम को परिसर में दाखिल कराया गया और ज्ञानवापी परिसर के अंदर 4 टीमों ने अलग अलग हिस्सों में करीब 7 घंटे तक सर्वे किया। मिली जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी के तैयार नक्शे के आधार पर मिल रही आकृति, उसकी बनावट और निर्माण का ब्यौरा टोपोग्राफी शीट पर उतारा गया। दीवारों की 3D फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। सारी जितनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है, DGPS मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग और स्कैनिंग कराई जा रही है। आगे भी इसी प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के चल रहे सर्वे को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि सर्वे होने पर जरूर बहुत कुछ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत होगी, लेकिन एएसआई की तरफ से जब अधिकृत रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तब पूरी सच्चाई सामने आएगी। एएसआई के द्वारा सर्वे हो रहा है और मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ, शिवभक्त के रूप में भी करता हूँ। बता दें कि ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे पर मस्जिद पक्षकार चाहता था कि सर्वे को रोक दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया।
जिसके बाद एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में आधुनिक तकनीक से सर्वे कर रही है।